अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान टेलीफोन कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से एक पैगाम जो है वो दिया गया है आवाम को कि आपके व्हाट्सएप सोशल मीडिया और टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए आपको कुछ लिंक्स जो है वो भेजी जाती है। जो लिंक्स जो है वो PTA की डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड बिलॉगिंग सिस्टम से मुंसिक नहीं है। इस गुमराहकन पैगाम में बताया जाता है कि आपकी सिम मस्कूक सरगर्मी में मलस पाई गई है और आपको दिए गए जो लिंक्स है इस पर आप अपनी सिम की तादाद चेक करें। इसी तरह एक और पैगाम के ज़रिए कहा जा रहा है कि फराहम करदा लिंक्स पर क्लिक करके आप जो है वो अपने फ़ोन की रजिस्ट्रेशन को जो है वो बेहतर करें, नहीं तो आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन मौतल कर दी जाएगी। जो है वो इस तरह की धोखा देने वाली जो लिंक्स आपको भेजी जाती है तो इसके ऊपर जो है वो आप लोगों को बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना चाहिए। इनसे जो है वो आपकी ज़ाती मालूमात जो है वहाँ तक जो वो हैकर है वो रसाई हासिल करते हैं। और PTA की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि वो नामालूम नंबरों से भेजी जाने वाले लिंक्स पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। और अगर आपको ये भेजी जाती है कोई लिंक्स वगैरह तो उसको आप लोग जो है वो PTA की कंप्लेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसका नंबर है 0855055, इसके ऊपर आप लोग इसको जो है वो इंफॉर्मेशन दें। इसके अलावा इनकी जो वेबसाइट है complaints.pta.gov.pk/register.com/pk और PTA CMS मोबाइल ऐप के ज़रिए ब्लॉक करने के लिए इसे फ़ोन नंबर्स और इस तरह की जो लिंक्स है उनकी आप लोग वहां से इतला दे सकते हैं। सार्फिन अपने डिवाइस का स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ PTA की वेबसाइट जो है वो उसको मिलाहिजा करें। वो वेबसाइट है drives.pta.gov.pk। डिवाइस के ज़रिए आप लोग जो है 8484 पर IMEI आपका जो नंबर होता है IMEI अपने फ़ोन का उसको SMS करें और ऑफिशियल डिवाइस वेरिफिकेशन ऐप के ज़रिए चेक करें जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर दस्तियाब है। PTA की जानिब से आवाम को मुतल्लिक किया जाता है कि ऐसा धोखाधड़ी जो है वो से न सिर्फ चौंकना रहना चाहिए बल्कि अपनी ज़ाती मालूमात की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सिर्फ ऑफिशियल प्लेटफार्म्स और शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करके इससे जो है वो इससे बचाया जा सकता है अपने आप को। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन रखना। अल्लाह हाफिज़।